इस वीडियो में हम वेदांता का कंप्लीट स्टॉक्स रिव्यू करेंगे। जैसा कि हमारे एक व्यूवर्स ने कमेंट बॉक्स में बताया कि वेदांता के बारे में बताओ। देखिए यहाँ पर वेदांता लिमिटेड का ये वीकली चार्ट है। यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो पहले ये एक चैनल में था, जो अप चैनल था, अप चैनल में था, अप चैनल में ट्रेड कर रहा था स्टॉक्स। यहाँ पर अप चैनल में आता था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया। और यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन, सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन को वेदांता ब्रेक कर दिया और पूरी तरह से कंप्लीट रूप से वेदांता अभी बेरिश है। कंप्लीट रूप से ये बेरिश है। जब वीकली चार्ट पे काफी ज्यादा बेरिश है तो इस स्टॉक को हमें कभी भी बाय करने के लिए नहीं सोचना चाहिए, जब तक कि ये कोई रेंज ना बनाए। जब ये यहाँ पर कोई रेंज बना लेता है, उस रेंज को फिर ऊपर ब्रेक करेगा, तब हम बाय करने के लिए सोचेंगे। अभी कोई भी बाइंग के मूड में हम इसमें नहीं रहेंगे, बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। अब फिर हम चलते हैं डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर देख लेते हैं क्या सिनेरियो है। तो डेली चार्ट पर भी देखिए सेम सिनेरियो आपको देखने मिलेगा। इस चैनल में वेदांता ट्रेड कर रहा था, इसको ब्रेक किया और ये काफी गैप के साथ यहाँ पर ब्रेक हुआ। जब गैप के साथ ब्रेक हो और ये गैप एक रनवे गैप है, जो गैप फिल होने वाला नहीं है अभी फिलहाल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेदांता आया, फिर यहाँ पर एक फ्लैग पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया। देखिए यहाँ पर ये इसका पोल है, फिर यहाँ पर देखिए ये बना यहाँ पर फ्लैग, और इस फ्लैग को फिर से ये ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कंप्लीट रूप से यहाँ पर जो है ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा इसमें पुल बैक देखने मिला, और ये पुल बैक काफी वीक है, काफी वीक, और वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं था। तो वेदांता जो है कंप्लीट रूप से अभी भी बेरिश है। और देखिए हम 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं, मतलब इंट्राडे बेसिस पे वेदांता, जो हमारा लॉन्गर टाइम फ्रेम है, वीकली चार्ट और डेली चार्ट पे वेदांता जो है पूरी तरह से बेरिश ट्रेंड में है। अब देखिए हम 15 मिनट चार्ट लगाते हैं, तो 15 मिनट चार्ट पे भी आपको देखने मिलेगा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया था, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद वेदांता कंप्लीट रूप से यहाँ पर बेरिश मोड में है। और यहाँ पर देखिए एक फिर से फ्लैग बन रहा है, ये इसका पोल हो गया, और यहाँ पर देखिए ये इसका फ्लैग है, तो पोल और फ्लैग पैटर्न में है। तो देखिए अगर इसको फिर से ये नीचे ब्रेक करता है तो ये स्टॉक पूरी तरह से बेरिश मोड में रहेगा, और कंप्लीट रूप से वेदांता का जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी, लॉन्गर टाइम फ्रेम, डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे भी। तो वेदांता को हम यहाँ पर हमेशा सेल करने के लिए सोचेंगे। जो भी राइज होगा, जैसे यहाँ पर राइज किया, जैसे यहाँ पर राइज किया, राइज करने के बाद जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो फिर हम यहाँ पर सेल कर सकते थे। उसी तरह से जैसे इस फ्लैग को, इस फ्लैग पैटर्न को ये यहाँ पर ब्रेक करता है तो फिर से हम यहाँ पर इसको सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे ये आप कैंडल बनाया तो यहाँ वॉल्यूम पूरी तरह से ड्राई था, जैसे यहाँ पर रेड कैंडल बनाया देखिए वॉल्यूम काफी ज्यादा है, यहाँ पर रेड कैंडल बनाया देखिए वॉल्यूम काफी ज्यादा है, यहाँ रेड कैंडल काफी वॉल्यूम ज्यादा है। तो जब जब देखिए रेड कैंडल बन रहा है, मतलब वेदांता नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम का स्पाइक हो रहा है, और जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या कंसोलिडेट हो रहा है तो वॉल्यूम ड्राई हो जा रहा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम का भी सपोर्ट है वेदांता के डाउन ट्रेंड में, तो हम इसको हमेशा सेल करने के लिए सोचेंगे। कभी भी वेदांता लिमिटेड को आप यहाँ पर बाय करने के लिए ना सोचें।